24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। सभी विभागों के पेंशनर्स डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रधान डाकघर प्रयागराज कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अनशन पर बैठे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्क्स व नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन प्रयागराज इकाई के तत्वावधान में प्रधान डाकघर प्रयागराज गेट के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित सभी विभागों के पेंशनर्स 9 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक डाक विभाग को निजीकरण को रोकने के लिए धरना प्रदर्शन कर अनशन पर बैठे रहे। वह यह निर्णय लिया कि इसे रोकने के लिए डाक कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया जाएगा, जिससे डाक विभाग को निजीकरण करने से रोका जाए की आवाज बुलंद किया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र पांडे अध्यक्ष COC उत्तर प्रदेश व संगठन सचिव NCCPA संचालन श्री रितेश्वर उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पेंशनर्स अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल हुए। वह उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आप सभी पेंशनर्स इस समाज व देश के अनुभव का खजाना है। आप सबका दायित्व बनता है कि देश की परिस्थितियों पर विचार करें, सरकारी विभागों को निजीकरण से रोका जाए, पेंशनर्स की पुरानी पेंशन लागू हो, तभी समाज का ताना बाना बना रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर विचार कर संगठित रूप से आवाज बुलंद किया जाए, जिससे देश व समाज संवैधानिक तरीके से विकास कर सके, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर किया। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे सुभाष चंद्र पांडे ने कहा कि संगठन में शक्ति है, वही सफलता की सोपान है। हम सभी विभागों के पेंशनर्स एकजुट होकर डाक कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करें, जिससे डाक विभाग का निजीकरण होने से रोका जा सके, जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसी प्रकार से मिली जुली बातें अन्य पेंशनर संगठन के पदाधिकारियों ने भी कही। वह सरकारी विभागों व डाक विभाग को निजीकरण से रोका जाए का समर्थन किया। इस हेतु विचार रखने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व विधायक पेंशनर अनुग्रह सिंह, सुभाष चंद्र पांडे, श्याम सुंदर सिंह पटेल, नरोत्तम दुबे, रामविलास सिंह, RP पांडे, संतलाल सोनकर, राजेश वर्मा, विशेश्वर उपाध्याय, जावेद उर्फी दिलीप कुमार, विमल चौधरी, रजनीकांत भटनागर, राजेश श्रीवास्तव, श्रेया शुक्ला, विनोद कुमार तिवारी, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार आदि कई लोग शामिल रहे। अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापन राजेश वर्मा ने किया। वह सभी को चाय पिलाकर अनशन समाप्त कराया। यह धरना प्रदर्शन व अनशन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुभाष चंद्र पांडेय अध्यक्ष, श्याम सुंदर सिंह पटेल मीडिया प्रभारी व महामंत्री, यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज, दिनांक 9 अगस्त 2022, प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट।